क्योंकि सब लोग मुझे कमेंट कर रहे, मैसेज कर रहे थे पापा का तबीयत कैसा, पापा का तबीयत कैसा है। मैं आज नहीं गई, सुबह सुबह बहन, मम्मी, पापा और मामा चारों लोग हॉस्पिटल गए हुए थे। पापा को सुबह 7 बजे पहुंचना था क्योंकि पापा का सोनोग्राफी होने वाला है, और साथ ही साथ पापा का किडनी टेस्ट भी आज होगा। मतलब कल भी पूरे टेस्ट किए, आज भी पूरा टेस्ट किए हैं। टेस्ट करने के बाद अभी मैं घर पे ही हूँ, मैं गई नहीं। जहाँ पे हम लोग लिए ना घर, वहीं पे हूँ मैं। खाना वाना हर चीज़ बनाए हैं, और रिशु को मैं खिलाने वाली थी तो बोलती मम्मा मैं इडली खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। गई थी मैं उसके लिए इडली ढूंढने, इडली नहीं मिला तो जूस लेके आई। जस्ट बैठी हूँ कि मम्मी मेरे को फ़ोन की, मम्मी बोली कि तेरे पापा को एडमिट किए हैं, इमिडिएटली पेट का पानी निकालना पड़ेगा। तो पापा का आज पेट का पानी, पापा आप लोगों को बोली ना पापा के पेट में पानी जम गया है, क्योंकि पापा जो इंसान कुछ खा पी नहीं रहा है पूरा सूख गया, पेट क्यों अलग से निकला है। तो पापा का पेट का पानी पूरा भी निकालेंगे, मम्मी फ़ोन की है। तो मैं फटाफट रिशु को कुछ खिला के रिशु को लेके तुरंत मैं हॉस्पिटल निकल जाऊंगी, क्योंकि अभी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं मम्मी को पैसा दे दी थी, कल भी दे दी थी, आज भी दे दी हूँ। अभी मैं फिर से जाने वाली हूँ। यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पापा के पेट में पानी जमा है। ये रायपुर में जहाँ मैं दिखा रही थी उन लोगों ने भी बोला था, लेकिन उन्होंने इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। रायपुर के डॉक्टरों ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि पेट से पानी निकालना पड़ेगा, ये ऐसा वैसा करके, क्योंकि ये पानी बहुत दिन से जम रहा है, अभी रिसेंटली हाल में नहीं जमा है। तो थैंक गॉड पापा सही सलामत पापा का पेट का पानी निकल जाए, क्योंकि पापा भी उस बोझ को ढो रहे थे ना, बोलते कि मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, मैं कैसे खाना खाऊँ, कैसे मैं खाना मेरे पेट में जाएगा। पापा मतलब मम्मी तो रहती है ना पापा के पास, पापा लास्ट कुछ दिन से एक महीना होकर खाना ही नहीं खाते, एक चम्मच। कल मैं डांट के पापा को 4 चम्मच खाना खिलवाई हूँ। पापा बोलते हैं मैं कहाँ से खाऊँ, मेरे पेट में जगह ही नहीं है। चलो फाइनली पापा को एडमिट किए हैं, अभी पेट का पानी निकालेंगे। और जो किडनी का जो रिपोर्ट है, किडनी का रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। किडनी का सारा रिपोर्ट टेस्ट के लिए गया हुआ है, और पापा का सोनोग्राफी का रिपोर्ट भी पापा का आ चुका है। मैं बहन से बात नहीं कर पाई, मम्मी और बहन पापा के साथ हॉस्पिटल में है, पापा को एडमिट किए हैं, और अभी मैं रिशु को खिला के तुरंत निकलने वाली। अभी मैं आप लोग से सीधा मिल रही हूँ शाम को, लगभग 6 बज रहा है अभी। इसके पहले जो मैं आप लोग को बताए थे ना कि पापा को एडमिट करने वाले, पापा का पेट का पानी निकालने वाले, उसमें कितना 12:30 का टाइम था। उसके बाद मैं आप लोग से जस्ट अभी मिल रही हूँ, क्योंकि इस बीच में मम्मी फ़ोन की थी कि बेड नहीं मिल रहा है, तो फिर बड़ा दिक्कत है। हाँ बेटा, हेलो, हाँ बेटा आवाज़ कम करके देखो, ठीक है। मैं बता रही हूँ बेड नहीं मिल रहा है, मम्मी फ़ोन करके बोली कि हमको बेड ही नहीं मिल रहा है, और डॉक्टर ने बोला कि पेट का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आप लोग से सीधा मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि सुबह का जो प्लान था, जैसे पापा को एडमिट करने के लिए बोले थे ना डॉक्टर कि पापा का पेट का पानी निकालेंगे, जो आप लोग से शेयर की थी, वो सुबह का प्लान था। और अभी एट दैट टाइम सिचुएशन कुछ और हो चुका है। मतलब मैं रिशु को तैयार करके हम लोग निकलने वाले थे हॉस्पिटल के लिए, उस बीच मम्मी फ़ोन करके बोलती है कि पापा को आज भर्ती नहीं करेंगे। तो फिर मैं बोली क्यों, तो मम्मी बोलती है बेड ही नहीं है, बेड लेने के लिए पहले करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, लेकिन डॉक्टर ने बोला अभी इमीडिएटली है करके आप चले जाइए, आपका जो भी होगा प्रोसेस उससे पानी पापा का पेट का निकाल देंगे करके। तो मम्मी लोग पापा को लेके सब चीज़ लेके गए, तो बहुत कोशिश के बेड, एक सिंगल बेड भी खाली नहीं है, सारा बेड फुल है। फिर डॉक्टर ने बोला कि कल बेड खाली होगा, तो कल आप लोग दिखाइएगा, मतलब कल पापा का जो भी प्रॉब्लम है पेट का पानी वो निकालेंगे करके। तो उसके लिए मम्मी मुझे बोली कि 30,000 जमा करना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन है सिंगल बेड के लिए, उस बेड में आपका बेड चार्ज है, मेडिसिन सब इंक्लूड करके एक दिन का 30,000 है। तो मम्मी बोली मम्मी आप सोचिए मत, आप ले लीजिए, क्योंकि पापा का पेट का जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। मम्मी बोली लेकिन बेड ही नहीं है। तो मम्मी और बहन सब वहाँ पे थे हॉस्पिटल में, फिर दोनों ने मिलके बुक किया, रजिस्ट्रेशन वगैरह किया। तो कल सुबह पापा को फिर लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, और आज किडनी के डॉक्टर ने भी देखा है, किडनी के डॉक्टर ने पापा को देख के जितना भी सारा बारीकी मतलब चेक होता है, यूरिन टेस्ट हो गया, किडनी टेस्ट हो गया, जो भी टेस्ट हो सारा टेस्ट उन्होंने किया है। रिपोर्ट वो आज शाम को मिलेगी, मतलब मान के चलिए 7-8 बजे के पास वो रिपोर्ट मिलेगी। फिर वो रिपोर्ट और पापा का कल वो टेस्ट कल साथ में होगा, मतलब कल भी पापा का बहुत सारा टेस्ट हुआ, आज भी पापा का बहुत सारा टेस्ट, और दोनों दिन पापा का सिर्फ टेस्ट 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 ही हो जा रहा है। और मतलब सोचने वाली बात है कि मतलब पापा का जो भी माइनर प्रोसीजर होगा जिससे पेट का पानी निकालेंगे, उसके लिए एक सिंगल बेड तक यहाँ पे नहीं है।
और आपको बेड के लिए ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, खुद ही बुक करना पड़ता है, वहाँ पे कंप्यूटर रहता है, आप जाओ जो भी प्रोसीजर वगैरह है बुक करने का, आपको खुद को ही करना है, कोई कोई भी करके नहीं देगा। तो मम्मी और बहन दोनों मिल के बुक किए हैं, ये चीज़ सबसे अच्छा हुआ। मैं बोली पापा बस स्वस्थ होके यहाँ से निकले, बस स्वस्थ होके यहाँ से निकले, देखते अब आगे क्या होता है। मैं सब चीज़ें सब डिटेल्स आप लोग से शेयर करूँगी। अब ब्लड टेस्ट हो चुका है, अब मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ पापा का रिपोर्ट, कि पापा की रिपोर्ट में क्या क्या पकड़ाया हुआ है, क्या क्या हुआ है। ब्लड टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट हुआ है, सोनोग्राफी हुआ है, फाइबर टेस्ट हुआ है, बस जो किडनी के डॉक्टर ने जो टेस्ट करवाया है वो रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, वो रिपोर्ट आ जाने वाली है। और पापा का कल हाँ, और एक चीज़ आप लोगों को बताना है, पापा का कल पेट का जो पानी निकालेंगे ना, उसके बाद पापा को रोज़ एक एक इंजेक्शन लगेगा रोज़, और 6 महीने तक पापा को वो दवा खाना पड़ेगा, 6 महीने तक कंटिन्यू। पापा को आज जो लीवर के डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ मेडिसिन, सॉरी लीवर के डॉक्टर हाँ, उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया है। हैदराबाद में इतने सारे सब्सक्राइबर रहते, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, सब लोगों ने मुझे कॉल किया, सब मिलना आना चाह रहे मेरे से, लेकिन मैं अभी सिचुएशन ऐसा नहीं कि मैं नहीं मिल पा रही। पापा एडमिट हो जाए, थोड़ा सा उनके अंदर थोड़ा सा रिकवरी हो, उसके बाद मैं सबसे मिलूँगी। अभी क्या सुवर्णा दी भी आई हुई थी, वो भी यहाँ पर रही थी, जॉब करती है, तो वो आके सॉल्ट लेके गई है, मतलब वो वाला सॉल्ट। पापा को हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो यहाँ पे सॉल्ट मुझे नहीं मिल रहा, पिंक सॉल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आके देके गई है, बाजू में ऑफिस है। तो फिर मेरी और सब्सक्राइबर वो मिलना चाह रही है, मैं सबसे ज़रूर मिलूँगी, सबसे ज़रूर मिलूँगा। आप सब इतना प्रेयर करें पापा के लिए, आप सब इतना साथ दे रहे हैं मेरा, ज़रूर मिलूँगी। बस पापा फटाफट स्वस्थ हो जाए, अच्छे से सब चीज़ हो। मेरी सब्सक्राइबर है मतलब यहाँ पे, वैसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, तो उसमें से आज सुवर्णा दी आज मिलने के लिए आई थी, वो फिर आएंगी शनिवार को। फिर मेरे और एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रेशो के लिए बहुत सारा खाने की चीज़ें ऑर्डर किया है ब्लिंकिट से, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर की है। केक है रेशो फ़िलहाल खा रही है, और यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर किया है, ये है दूध है यहाँ पे, इसमें दूध है, और साथ ही ये आपका ओट्स का चॉकलेट कुकीज़ है, और बनाना, फिर ब्रेड और चॉकलेट जो वो खाती है, जैम्स हो गया और मंच हो गया। भी रहते हैं उन लोग भी कॉल की थी, उन लोग भी आने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक आंटी जी भी रहती हैं, उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है कि शताब्दी आप आओ हमारे घर पे रहो, हमारा घर का कमरा खाली है रहने के लिए। तो वो बोली आप अगर नहीं आओगे, नहीं आप अगर मुझसे नहीं मिलोगे, मैं आपका वीडियो नहीं देखूँगी। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, मतलब मैं कभी सोच ही भी नहीं थी कि हैदराबाद में इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे, जो इतना ज़्यादा केयर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा, और क्या खाना है, लो लो खाओ, मासी भेजिए, है ना। हाँ तो मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि आप सब इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं मेरी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, मैं, मेरी बहन, पापा का रिपोर्ट लाने के लिए जा रहे हैं, किडनी का रिपोर्ट। ये रात का नज़ारा, ये हॉस्पिटल के सामने जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतना रश रहता है बहुत ज़्यादा, इतना रश। हम लोग जा रहे थे ना, वहाँ से पास में ही है हॉस्पिटल, वहीं पे जा रहे हैं। वहीं पहुँच चुके हम लोग मेन हाईवे में, ये मैं हाईवे में पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, तो फोन तो ना नहीं दो ड्राइवर को ठिकाना थोड़ी। हाँ जाने गाड़ी अच्छी से, फिलहाल पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, हैदराबाद में इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, ये कभी आइडिया था ही नहीं। और यहाँ का ट्रीटमेंट सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी लोग मुझे फ़ोन भी करके स्पेशली बोले शताब्दी घबराओ मत, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और साइरम करके जो किडनी के डॉक्टर पापा को देख रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट पापा को बहुत बेहतरीन लगा, हर चीज़ डिटेल्स में पूछना, हर एक चीज़, तो बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। तो वही किडनी का टेस्ट
किए थे तो वही रिपोर्ट लेने भी जा रहे हैं, सोनोग्राफी किए थे, फिर किडनी का यूरिन टेस्ट भी किए थे। सारा टेस्ट होने के बाद ही पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। देखिए इस तरीके से आपको अपना रिपोर्ट निकालना, ये स्क्रीन रहता है, स्क्रीन में फ़ोन नंबर डालना होगा, फिर फ़ोन में OTP आएगा, आपको वेरीफाई करना होगा, फिर आपका जो जो रिपोर्ट आपको मिलना है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो पापा का CU रिपोर्ट मिल गया, फिर जो जो रिपोर्ट मिल गया वो थोड़ा डार्क कलर है, जो जो रिपोर्ट नहीं मिला वो वाइट कलर में है। तो ये USG एल्बोबिन ये सारा रिपोर्ट पापा को भी लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ से प्रिंट होके नीचे से निकल जाएगा, मतलब आपको जाके लंबी लाइन डॉक्टर के पास लगाना नहीं पड़ेगा या फिर जाके मांगना नहीं पड़ेगा। सीधा स्क्रीन पर जाओ, नंबर डालो और अपना अपना जो भी रिपोर्ट है वहाँ से ले लो। लेने के बाद फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वो बताएंगे। बहुत इजी तरीका, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वही कर सकते हैं, बस समझने की देरी है। आप समझ जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। जब मेरी मम्मी पापा को लेके आ रहे थे ना हैदराबाद, तो मेरी मम्मी को किसी ने कहा था कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है, आप जा रहे हो आप नहीं कर पाओगे, किसी पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ। लेकिन मेरी मम्मी जब यहाँ पर आई थी ना, तो मम्मी स्टार्टिंग में यहाँ पर अगले हर चीज़ निकाल ली थी। बस इंसान में समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लाखों लाखों लोग एक एक दिन में ट्रीटमेंट करवाते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब लोग शिक्षित ही हो। तो देखिए यहाँ पे पापा का जो इम्प्रेशन है वो निकला है यहाँ पे, मतलब आप लोग थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी ऐसे बहुत सारे और डिटेल्स है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। पापा का जितना भी रिपोर्ट है वो सारा मैं शेयर करूँगी। देखिए पापा का यूरिन प्रोटीन है वो ऊपर में बढ़ रहा है, 86.30 पूरा बढ़ चुका है, मतलब आपको 0.2 से 20 होना चाहिए। फिर पापा का यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, तो भी धीरे धीरे पापा का सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो हो सकता है पापा को, हो सकता है नहीं, पापा को आज एडमिट करेंगे। मैं आप लोग से बाकी सारे चीज़ें सब डिटेल्स से शेयर करूँगी। पापा का भी नेक्स्ट वीडियो में जो पापा का रिपोर्ट आएगा ना, वो सारा चीज़, जितनी भी रिपोर्ट पापा की आई है वो सारा चीज़ मैं आप लोग से डिटेल में शेयर करूँगी, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है।